प्यारे छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस स्किल। चलिए आज हम लेकर आए हैं आपका साइंस की क्लास टेंथ वालों के लिए। जो बिहार बोर्ड के छात्र छात्राएं हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल सीधे मेरे से जुड़ सकते हैं। तो साइंस की क्लास में हम लोग कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे, आपको कैसे पढ़ना है, आपको टाइम को अच्छा से यूज कैसे करना है, पहले इन बातों पर हम कुछ चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए सुनेंगे कि आखिर जो साइंस की क्लास है वो कहां से शुरू होगा और हम लोग को कैसे पढ़ना है, आंसर क्वेश्चन या फिर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि साइंस जो स्टार्ट होगी यहां और ऑनलाइन की क्लास वहीं से स्टार्ट होगी जहां से हम लोग इंस्टीट्यूट ट्यूशन कोचिंग में जहां से पढ़ रहे थे और जहां तक के स्टॉप हो गया था, फिर लॉकडाउन अप्लाई हो गया था इंडिया में और फिर कोचिंग क्लासेस बंद हो गई थी। उसके बाद जो हम लोग को पढ़ाई ठप हो गया था, रुक गया था, तो वहीं से क्लास स्टार्ट होंगी। तो हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे थे साइंस के क्लास में वो फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये हम लोग का चैप्टर चल रहा था। और ये चैप्टर में भी हम लोग वहां तक के पढ़े थे कि अवतल दर्पण द्वारा किसी भी प्रतिबिंब का, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, उसका साइज क्या होता है, उसका प्रकृति क्या होता है, ये सब सारा चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके साथ साथ उसका आरेख भी हम लोग खींच लिए हैं कि अवतल दर्पण से टोटल 6 तरह का हम लोगों को प्रतिबिंब बनता है। जहां तक आपको याद होगा कि जब वस्तु अनंत पर रहती है तो शी पर बनता है, सी पर रहती है अनंत पर, सॉरी, जब अनंत वस्तु अनंत पर रहता है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, और जब फोकस पे रहता है अनंत पे बनता है, उसका साइज के बारे में पढ़े थे कि अत्यंत छोटा होता है। फिर पढ़े थे कि जब सी पर रखेंगे तो वस्तु का इमेज सी पे बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। तो टोटल 6 तरीके से हम लोग पढ़े थे, एक टेबल बनाए थे, आपको हम याद भी करवा चुके हैं प्यारे छात्रों, उसका हम लोग आरेख भी खींच चुके हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा 6 तरह का जो फिगर बनता है कहां रखने पर क्या क्या बनता है, वो सभी फिगर भी हम लोग कर चुके हैं। अब प्यारे छात्रों, अब हम लोग आज से जुड़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो इसको बिल्कुल आपको अपने दिल से ईमानदारी से पढ़ाई करना है, क्योंकि ना तो वहां पे हम होंगे आपको स्ट्रिक्ट करने वाले, आपको गाइडलाइंस देने के लिए, और न ही आपके पास कोई गार्जियंस रहेंगे। आप बिल्कुल अभी फ्री है, लॉकडाउन में आपको कोई बोलने वाला तक नहीं है और आप इसको मिसयूज कर रहे हैं इस टाइम को, तो आपको ये ऐसा टाइम है, ऐसा परीक्षा लिया जा रहा है, ये गॉड ले रहे हैं कि आप इस टाइम को कैसे यूज कर पा रहे हो। तो आपको अंदर से ईमानदारी से आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि ये तो जो टाइम है ना, आप अगर आपके पास तो स्मार्टफोन है, अगर मान लो नहीं भी है तो गार्जियंस आपको पढ़ने के लिए स्मार्टफोन देंगे ही देंगे। सर, हम लोग को ऑनलाइन स्टडी है और हम आपके आपके घर बात भी किए हैं कि ऑनलाइन स्टडी से जुड़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल फोन मिलेगा। अब इसको आप गलत यूज कर रहे हैं, आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका एग्जाम होने वाली है, 10th की बोर्ड होने वाली है, समझ रहे ना बातों को। तो आप खुद समझदार हैं और आप कम से कम डेली अगर 1-2 घंटे अगर मेरी वीडियोस देखते हैं, आप इसको पढ़ते हैं, सही मायने में इसको टाइम को यूज करते हैं, तो आपका ये मेहनत बहुत काम आने वाला है। और नहीं तो फिर वो जब रिजल्ट आएगी तभी पता चलेगी कि आप कितना पढ़ते थे, कितना मेहनत करते थे। तो आपको अभी से, आज से, जिस टाइम से उतने दिन से बैठे थे ना, अब बैठना नहीं है, अब बिल्कुल बैठना नहीं है, आपको हमेशा पढ़ाई करना है। और दूसरी बात कि कोई चीज अगर हम बोलेंगे कि आपको याद करना है, इसमें काम आएगा, या फिर न्यूमेरिकल में कुछ फार्मूला हम देंगे, कुछ प्रूफ करने के लिए देंगे, कुछ काम करने के लिए देंगे, तो याद करने वाला भी ईमानदारी से याद करना है। अब याद करने का अलग अलग तरीका हो सकता है प्यारे छात्रों, या तो आपके घर में कोई पढ़ने वाला जूनियर है या फिर सीनियर है, आप उसको बोलो ना कि हाँ मेरा याद हुआ कि नहीं, आप जरा सुन लीजिए या सुन लो, सुनो तो मेरा कितना याद है। पढ़ाई से हौसला बढ़ाओ, पढ़ाई से दोस्ती करो, ऑटोमेटिक तुमको मन करेगा कि नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा चीज है। तो कहने का मतलब, मेरा मतलब कि अगर कोई भी चीजें यहां से याद करने के लिए दी जाएंगी, कोई भी फार्मूला को करने के लिए दिया जाएगा, खासकर याद करने वाले में ज्यादा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, क्योंकि क्लास में तो स्ट्रिक्टली होता था ना, खड़ा रहो, पिटाई करते हैं, तो तुम याद कर पाते थे, लेकिन अब वो चीज नहीं होने वाला है।
डरा धमका कर पढ़ाया नहीं जा सकता है किसी को। आपके अंदर की इच्छा है, शक्ति है, मन है, लगन है, परिश्रम है, तो आप जरूर सफल करेंगे। तो याद करने वाली जो चीजें है ना प्यारे छात्रों, आप तरह तरह की मेथड अपनाओ। अगर मान लिया कि मेरे पास कोई नहीं है सर, कौन सुनेगा, हम याद भी कर लिए हैं और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मुझे याद है कि नहीं याद है। अरे भाई, मान लिया कि क्वेश्चन लिखा, याद करने के लिए दिया गया, मैंने याद भी कर लिया, अब साइंस का स्पेलिंग क्या है, ढकेंगे और मन में बोलेंगे SCIENCE, या फिर किसी वस्तु का इमेज ही याद करना है कि अगर मान लिया सी पर रखेंगे तो ढक ढक के याद करेंगे, क्या प्रॉब्लम। बहुत तरीके का तरीके हैं जिससे आप याद करने वाला मेथड अपना सकते हैं। या घर में कोई है आपसे जूनियर जो हिंदी पढ़ सकता है, सुन सकता है, उसको आप बोले प्लीज। ये सब क्या है ना कि अगर आप उसको बोलोगे तो कम से कम उसको भी लगेगा कि हाँ हम कितना चीजें पढ़ रहे हैं और कितना चीजें पढ़ना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारी बहुत सारी मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिसको आप अपना सकते हैं और चीजों को याद रख सकते हैं। तो बिल्कुल पढ़ाई करना है इस लॉकडाउन में घर में, तो ऑनलाइन के साथ आज से हम लोग जुड़े हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं साइंस। तो साइंस वाले क्लास में हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट किए थे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, उसमें अवतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अवतल दर्पण में हम लोग ये भी सीखे थे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसको अगर कहाँ रखते हैं तो कहाँ बनता है, उसका साइज क्या होता है और उसका प्रकृति क्या होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी कि अवतल दर्पण का कहाँ यूज है, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में। क्योंकि अवतल दर्पण के जो 6 था उसको हम लोग याद भी कर लिए थे और उसका आरेख भी खींचना था, और आरेख मुझे याद है कि वो चीज करवा दिए हैं। तो उसके आगे का टॉपिक लिया जाए, टॉपिक बनाएंगे अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग ये टॉपिक है। उसके नीचे का फर्स्ट है वो देंगे, लिखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है, अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। पेरे स्टूडेंट, अगर जिन लोगों को ये लगता होगा कि सर बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो आप प्लीज क्या करें, वीडियोस को रोक दें और जितना हम बोल रहे पहले उतना चीजों को आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, और हरेक सब्जेक्ट का, हरेक टॉपिक्स का आपको नोट्स बनाना है, फेयर कॉपी बनाना है, क्योंकि जब हम लोग का रिविजन होगा क्लास में तब ये चीजें बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो इस चीज को अच्छा से काम करना है। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जिन स्टूडेंट को लगता है कि हम फास्ट बोल रहे हैं, वहां पे वीडियो को रोक दीजिए, उतना चीज लिख लीजिए, फिर आप वीडियो को स्टार्ट कीजिए। क्या लिखे, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, उसके नीचे लिखेंगे पहला टॉर्च या सर्च लाइट में, टॉर्च या सर्च लाइट में, टॉर्च या सर्च लाइट में। दूसरा, वाहन के अग्रदीपों में, वाहन के अग्रदीपों में, अग्रदीपों में। तीसरा, चेहरे को देखने में, चेहरे को देखने में। चौथा, शेविंग दर्पण में, शेविंग दर्पण में, शेविंग दर्पण में। तो अवतल दर्पण का अक्सर सवाल पूछता है, इसको VVI कर देंगे इस टॉपिक्स को, कि अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखें। प्यारे छात्रों, अवतल दर्पण का कहां कहां उपयोग करते हैं, तो सबसे इंपोर्टेंट ये चार जगह, टॉर्च या सर्च लाइट में, यानी कि जो आप टॉर्च जलाते हैं ना रात्रि में देखने के लिए, तो उसके आगे का शीशा जो लगा रहता है, देखे होंगे ना, आगे का जो शीशा लगा रहता है टॉर्च के आगे का, जहां पे बल्ब के आगे एक शीशा लगा रहता है, वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, शीशा नहीं, शीशा के पहले वाले जो प्रकाश को फेंकता है आगे की ओर, यानी कि जब कभी भी हम लोग बल्ब यूज करते होंगे ना, तो उसके चारों ओर का एक ढक्कन होगा ऐसे करके, और उसके नीचे, उसके अंदर एक बल्ब फिट रहता है। तो ये जो है वो कौन सा दर्पण है,
अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च या सर्च लाइट, सर्च लाइट का मतलब वही सर्च माने खोजना ढूंढना, सर्च लाइट में। दूसरा वाहन के अग्रदीपों में, बिल्कुल जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो आगे का जो हेडलाइट है ना, हेडलाइट, तो हेडलाइट जैसे ही जलता है तो हेडलाइट के कवरिंग किया हुआ इधर शीशा रहता है और उसके चारों तरफ एक प्लेट रहता है जो बिल्कुल चिकना होता है और वही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यहां से लाइट गया तो आगे मोड़ दिया इस तरह से। तो दूसरा अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, तो वाहन के अग्रदीपों में, अग्रदीप का मतलब गाड़ी के हेडलाइट में, चाहे आपका बाइक हो, फोर व्हीलर हो, साइकिल नहीं, साइकिल में ये सब नहीं रहता, अग्रदीपों में। चेहरे को देखने में बिल्कुल, अक्सर जो हम लोग घर में जो चेहरा देखते हैं ना वो तो समतल दर्पण होता है, जैसे कि हम क्लास में भी बताए थे, लेकिन चेहरे को बड़ा करके देखने के लिए आप सैलून में जाते होंगे, तो सैलून में जो बाल दाढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो चेहरे को बड़ा देखने में यहां लिख दीजिए, क्योंकि चेहरे को देखने में तो समतल दर्पण का भी यूज करते हैं, तो चेहरे को बड़ा देखने में ये बड़ा जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। और फिर लास्ट है सेविंग दर्पण, हाँ वही सेविंग दर्पण, यानी कि सैलून वाले जो दर्पण, सैलून वाले में जो दर्पण लगा रहता है ना आगे पीछे सभी तरफ, तो वो कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग था। चलिए अब नोट में करके लिखेंगे, इसके नीचे नोट, NOTE, नोट, नोट में करके लिखेंगे। दांत के डॉक्टरों द्वारा, नोट में पहला लिखेंगे, नोट में नोट का फर्स्ट, दांत के डॉक्टरों द्वारा भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, दांत के डॉक्टरों द्वारा भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों बताते हैं क्या है, सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में सूरज के प्रकाश को, सूरज के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे छात्रों, नोट में जो दो बात लिखे हैं ना वो भी एक तरीके का अवतल दर्पण का ही उपयोग है। अक्सर आप दांत के डॉक्टर के पास जाते होंगे ना, तो दांत के डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, दांत के डॉक्टर एक बार तो टॉर्च रखते हैं, ठीक है, और टॉर्च के साथ साथ उनके यहां माथे पे एक दर्पण लगाए हुए रहते हैं यहां पे, और जब कभी भी लाइट, और देखिएगा हमेशा दांत के डॉक्टर आपको सुला देते हैं बेड पे और उसके ऊपर लाइट लगा रहता है उनके ऊपर, और जैसे ही आपको देखते हैं तो वो लाइट यहां पे, चूंकि दर्पण लगा हुआ है, यहां से रिफ्लेक्ट करता है और आपके मुंह में डायरेक्ट जाता है, यानी कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। वो यहां पे अवतल दर्पण एक बांधते हैं, और जब भी जैसे मान लिया कि ऑपरेशन कर, दांत के डॉक्टर यहां पे सुला दिए हैं आपको, और ऊपर एक लाइट लगा हुआ रहता है माथे के ऊपर, वहां से लाइट जो निकलता है डायरेक्ट अवतल दर्पण पे पड़ता है और वो आपको यहां पे देखते हैं तो यहां से रिफ्लेक्ट होता है, आपके मुंह में जाता है, यानी कि दांत के डॉक्टर द्वारा भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सवाल अगर आएगा कि दांत के डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है, राइट आंसर इज अवतल दर्पण। फिर दूसरा लिखे होंगे कि सौर कुकर में, सौर भट्टियों में, राइट, सौर भट्टियों में जो इस्तेमाल किया जाता है दर्पण वो कौन सा, सौर भट्टी में अवतल दर्पण। अक्सर आप सौर कुकर के बारे में आप नाम सुने होंगे, सौर कुकर का मतलब एक ऐसा बक्सा होता है, खाना बनाने वाला बक्सा जो हमेशा दिन में बनाया जाता है। एक सौर कुकर नाम का एक कुकर है जो सूरज के प्रकाश द्वारा हम लोग भोजन उस पर पका सकते हैं। उसको क्या किया जाता है, बॉक्स को ऐसे खोलना पड़ता है और उधर बॉक्स के ऊपर, जैसे उसको बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर, बॉक्स के अंदर में अवतल दर्पण रहता है और उसके नीचे चूल्हा बनाया हुआ रहता है जिसपे हम लोग भोजन को रखते हैं, और
जैसे ही सन का लाइट इस बक्से के ऊपर पड़ता है तो लाइट को भेज देता है खाने के ऊपर और खाने बहुत जल्दी पक जाता है। उसी तरीके से सौर भट्टी है, उसमें सौर भट्टी में सूरज के प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए आपको एक चीज, एक इंस्ट्रूमेंट, एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं। आप क्या करिए, अगर नया नया स्टोव बॉक्स लेते हैं ना तो उसमें एक लेंस देता है और लेंस हाई वाले जब सनलाइट रहेगा जैसे गर्मी के दिन में उसको आप वहां पर रखिए और उसके नीचे एक कागज को रखिए और वो जलने लगता है। ऐसा रियलिटी होता है। क्यों? क्योंकि वो जितना भी प्रकाश का लाइट, सूरज का लाइट था, उसको एकत्रित कर दिया, इकट्ठा कर दिया और वहां इकट्ठा इतना ज्यादा हीट हो गया कि इतना ज्यादा गर्म हो गया और फिर वहां से आग लगना स्टार्ट हो गया। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग मेन चार तरीके और फिर नोट में भी दो तरीके में इस्तेमाल करते हैं, सौर भट्टियों में एवं दांत के डॉक्टर द्वारा। चलिए, उसके बाद अवतल दर्पण का तो काम खत्म हो गया, अब हम लोग टॉपिक लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले, टॉपिक उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, प्रतिबिंब चलिए तो टॉपिक हो गया उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के प्रकृति, स्थिति और साइज। प्यारे छात्रों, अभी इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे ना वो अवतल दर्पण हुआ करता था और ऐसा ही टेबल हम लोग बनाए थे, आपको याद होगा, वहां पे छह तरह का केस होता है, छह तरह का केस, जी हाँ सही सुन रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं जब अवतल दर्पण नहीं रहे, उत्तल दर्पण रहेगा, तब वस्तु का प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, उसका स्थिति के बारे में सीखेंगे और साइज कैसा होगा। याद रहे अवतल दर्पण का छह ठो लिखवाए थे, छो हम आप लोगों को याद करवा चुके हैं, अब उत्तल दर्पण में चलते हैं। तो अगर उत्तल दर्पण में रहेगा प्यारे छात्रों, ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए कि अगर कोई पूछेगा ना कि बताओ बाबू वस्तु जो है अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आप बिना सोचे समझे ये मत जवाब दे दीजिए कि अनंत पे है तो एफ पर बनेगा दर्पण के पीछे। नहीं, आप उसको दोबारा से सवाल कीजिए कि कौन सा दर्पण है भाई, वाह अवतल है कि उत्तल है, क्योंकि दोनों में अलग अलग केस होता है, समझ में आ रहा है। उसमें बोलेगा, कोई बोलेगा कि अनंत पे वस्तु को हम रख दिए हैं तो प्रतिबिंब का प्रकृति बताओ, तो ऐसे तरीके से बता देंगे भाई दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग ना है। अवतल दर्पण में रहेगा तो उसके लिए कुछ और होगा, उत्तल दर्पण में रहेगा तो कुछ और होगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि अवतल दर्पण में टोटल छह गो केस था, उत्तल दर्पण में मात्र दो केस है, नंबर वन नंबर टू। इसको आपको याद रखना होगा कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, एफ पर बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो अत्यंत छोटा, आप नीचे देख रहे होंगे छोटा लिखा हुआ है, तो छोटा और अत्यंत छोटा में अंतर है, छोटा का मतलब छोटा और अत्यंत छोटा का मतलब बिल्कुल बिंदु के आकार का, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिंदु साइज। फिर इसका प्रकृति के बारे में, तो आभासी और सीधा बनेगा। अच्छा, दूसरा केस ये बोल रहा है कि अनंत और पी के बीच, पी का मतलब याद है छात्रों ध्रुव, ध्रुव का मतलब क्या है कि दर्पण के जिस बिंदु से मुख्य अक्ष गुजरता है उस पॉइंट को ध्रुव कहा जाता है, यानी कि पोल कहा जाता है, उसको पी से सूचित करते हैं। तो अगर वस्तु अनंत और पी के बीच रहेगा प्यारे छात्रों, कहां बनेगा प्रतिबिंब, तो पी तथा एफ के बीच, यानी पी माने पोल और एफ माने फोकस, इसके बीच बनेगा, कहां बनेगा तो दर्पण के पीछे बनता है। याद रख लीजिएगा कि उत्तल दर्पण में सब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और सबका प्रकृति आभासी तथा सीधा होता है, और जब अनंत पर रखेंगे तो बिल्कुल अत्यंत छोटा बनता है, और अनंत और पी के बीच रखते हैं तो खाली छोटा बनता है। याद हो गया, यानी कि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु को हम लोग रखेंगे तो कहां कहां उसका इमेज बनेगा, ये सारे टेबल्स को आपको बिल्कुल याद रख लेना है, ठीक है। अब जैसा कि अवतल दर्पण में हम लोग उसका रेखीय डायग्राम हम लोग खींचे हुए हैं, फिर से हम लोग उत्तल दर्पण के लिए भी डायग्राम खींचेंगे, समझ में आ रही है बात, यानी कि उसके वो तो तभी ना आप कर पाएंगे जब आपको ये टेबल पूरा याद रहेगा,
यानी कि टेबल को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेबल याद नहीं रहेगा आप डायग्राम नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। और यहां तक हम बोले हैं कि डायग्राम हमेशा पेंसिल से खींचना है, तो सबसे पहले ये टॉपिक के अंतर्गत ये टेबल बनाना है, ये सारणी बनाना है और इस सारणी को बिल्कुल याद कर लेना है। ये टॉपिक क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज। तो आप इसको आज याद कर लीजिएगा और फिर कल के क्लास में, कल के वीडियोज में हम इसका डायग्राम देखेंगे। चूंकि हम आपके क्लास में तो है नहीं कि एक एक बच्चा को खड़ा खड़ा करवाकर हम सुन सके, आप बिल्कुल इन चीजों को ईमानदारी पूर्वक याद कीजिए ताकि अगले क्लास के लिए आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि प्यारे छात्रों, अगर पीछे वाली क्लास में आप जितना समझे हैं तभी आगे की क्लासेस आपको समझ में आएंगी, समझ रहे ना। तो चलिए आज के क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। वेल डन, थैंक यू।